चित्रकूट पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के लिए ग्राम प्रधान ने किया लंगर का आयोजन। गंगा जमुना की तहजीब दिखी भंडारे में। ग्राम प्रधान की हो रही है जगह जगह तारीफ। हमीरपुर के भादो माह की अमावस्या हिंदू समुदाय में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें कामथानाथ जी के दर्शन हेतु चित्रकूट के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं जत्था बनाकर निकलते रहते हैं। आगामी शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या को लेकर बूढ़े बुजुर्ग व नौजवान ढोला व झंडा लेकर निकल पड़े हैं, जिनके लिए समाज सेवियों व ग्राम प्रधान द्वारा जगह जगह पर पैदल सहित भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। इसी क्रम में अमावस्या के पर्व पर ग्राम प्रधान गुसियारी ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। चित्रकूट पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के लिए पंडाल लगाकर भोजन का आयोजन किया गया। क्षेत्र के टिकरी गांव में ग्राम प्रधान गुसियारी असरार अहमद द्वारा पंडाल लगवाकर गांव-गांव से पैदल चलकर चित्रकूट जा रहे कामथानाथ जी भक्तों को बैठाकर भोजन खिलाकर प्रसाद वितरण किया गया है। हमेशा अपने नेक व सरल स्वभाव से पहचाने जाने वाले समाज सेवी व प्रधान असरार अहमद खां द्वारा पंडाल लगाकर चित्रकूट पैदल चलकर जा रहे भक्तों को सुबह से ही भोजन खिलाने का पुनित कार्य किया गया। ग्राम प्रधान के इस नेक कार्य की पूरे गांव सहित आसपास के नौजवान व बुद्धिजीवी द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। हर वर्ष इसी तरह ग्राम प्रधान असरार अहमद द्वारा पंडाल लगाकर भारी भोजन का आयोजन कर एकता व भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। यह कार्य सुबह से देर शाम तक जारी रहा, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने भोजन व प्रसाद ग्रहण किया। क्या नाम है आपका? असरार अहमद खान। जो आप ये भंडारा करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? भंडारे का क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा ही परम धर्म है हमारा। हमने देखा कि लोग पैदल यात्रा करने लाखों की तादाद में श्रद्धा रुगण जा रहे हैं चित्रकूट दर्शन करने हेतु कामतानाथ जी के, तो हमें प्रेरित किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए इसके लिए सहयोग। तो हमने अपना बरसात और ये सब उनकी समस्याएं, पैदल 100-100 किलोमीटर पर डे पैदल चलते हैं, तो हमने कहा इसका उसको हमें प्रेरित किया। हमने भोजन की व्यवस्था की, रुकने की व्यवस्था की, जो हमसे हो सकता है हम उनको सहूलियतें देने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 दिन से चल रहा है सर। तो इनकी जो ये कौन सा स्थान है जो आप? ये बहुत ही प्राचीन हमारा गाँव है इधर गुसियारी, इसके बाजू में ये गाँव है टिकरी। टिकरी का ये बहुत ही प्राचीन रानी तालाब मंदिर है और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। तो इसी को देखते हुए हमने कहा भगवान के श्री चरणों में यहीं पे हम लोग व्यवस्था करते हैं, तो जो भी श्रद्धालुगण आएंगे उनके खाने पीने का, रुकने का, रेस्ट करने का, पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।